sam sam tam tam pam 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 chit chit ram ram ding ding ram ram ayatam chatavita parandeva patte भारत देश उत्तर प्रदेश करना नगर कृष्ण जी के ऊपर जल धारा करे करा में देखे सुने भावना वाले दिन के माप कर मन की जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी पार्श्व प्रभु भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी कलश धारो रे ओ कलश धारो कमालो निपुण्य भारी कलश धारो कमालो निपुण्य भारी नशियारी के पार्श प्रभु की मूरत मनहारी नीर शीर की बहती धारा फिर भी ना अन्य विषाज वो पिता कहीं नहीं बोले धन्य धन्य हम लोग यहाँ रहे सिरते मस्तिका विषी नशिया जी में हो रहा मस्तिका विषी ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीपाश्चितंकराय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनराज मुनिवर विहस सागर जी मुनराज मुनिवर वेसन सागर मुनिवर विश्व सागर आज के सौदर इंद्र परिवार कौशल जैन बबली जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एवं कुबेर इंद्र ब्रजेंद्र मोहन विकास जैन जखनिया अभिषेक अनुज तानिया एवं सपरिवार करल मैनपुरी रीना जैन आशीष जैन सोयल जैन राकेश जैन अनीता जैन तान्या आरवी श्रीमती तान्या जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती विद्या जी वैभव जैन विद्या जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मनोज जैन मुजवार जिनके स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं विशेष शांति धारा हमारे चक्रेश कुमार जी जैन LIC वाले राधा जैन रतुल जैन आकाश जैन छेराहा इटावा एवं राजेंद्र जैन नीलम जैन सपना सुनील रवि बंटी ऋषभ जैन संकी जैन प्रियंका जैन समोसे वाला परिवार डाड़े इटावा उनके आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अशोक संतोष जैन बिजरौल वाले शंकर नगर बॉबी सिम्मी संदीप सोनिया आदित्य प्रियंका अरिशय अनंत विधि जैन अरविंद नगर गोंडा दिल्ली निर्मला ब्रजमोहन दीपाली उमेश कालू नेहा वानी परी श्रुति अनन्या केराया मौजपुर दिल्ली एवं वेद प्रकाश पंकज जैन कैलाश नगर दिल्ली क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वभयम सबराज भयम सब चोर भयम सप्तेश मारी सप्तेश मारी सर्वेताप साक्षी भयम सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवे शांतिम सब जनानंदरम सब भव्यानंदरम सर शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वसत सहा ओम गुरु परम पूज मेडिटेशन गुरु वर वेसन सागर मनिंद्राय अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपमाविधि नमोस्तु गुरु वर नमोस्तु गुरु वर कैसी जय जयकार कन्या छाज की बहारी देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार आनंद अपार है भक्ति की बहार है देखो आज नशिया जी में कैसी जय जयकार है आज हो सकता है पिछले में अभी में हमने ऐसे कर्म बांधे होंगे ऐसे पाप कर्म हमारे साथ चले जो आज हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है लेकिन मालूम है शरीर साथ छोड़ता है लेकिन आत्मा कभी नहीं छोड़ती जो आत्मा सिद्धों की थी हमारी है चींटी की है गाय की है बैल की है हाथी की है वही आत्मा इस शरीर में भी है अगर आत्मा के परिणाम सुंदर रखो आश्रय मत करो संवर करो और धीरे धीरे गुणस्थान को बढ़ाओ तो आने वाली पर्याय हमारी बहुत सुंदर मिलेगी ये साधु
देख रहे हो 70 साल के हो गए, दो दो तीन तीन उपास, पांच पांच उपास, दस दस उपास, 34वें उपास समाप्त हो गया आज। कितनी बड़ी साधना चल रही है, यहाँ भी उपास त्याग तपस्या चल रही है, इस शरीर को सुखाने के लिए नहीं चल रही है, ये आत्मा के परिणामों को शुद्ध विशुद्ध बनाने के लिए चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि मुनिराज पतले हो गए, महाराज जी की शरीर की हड्डियां दिख रही है, महानुभाव ये तो बाहर का वैभव है, मेरी आत्मा अंदर का वैभव है, बाहर का वैभव नष्ट हो जाएगा, शाश्वत नहीं है, आज यहाँ है कल वहां है, परसों खराब हो जाएगा, लेकिन आत्मा का वैभव कहां ले जाओगे। आचार्य भवन कहते हैं इस आत्मा के वैभव को पहचान जो ध्रुव है हमेशा के लिए रहेगी, और इसीलिए महानुभाव शरीर से राग आदि भाव जीवन में नहीं करना चाहिए। तकलीफ आपको हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन तकलीफ को हंसते मुस्कुराते सहन करो, हर तकलीफ में भगवान का नाम लो, हर तकलीफ में आप भगवान का सुमरण करो, हर एक सांस में नमोकार मंत्र पढ़ो। महानुभाव इतना सुंदर मरण होगा जैसे कुत्ता तड़प रहा था, कुत्ता तड़प रहा था और तड़पते तड़पते कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया गया, तो आने वाले समय में वो चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त किया। जलते हुए नाग नागिन जो जल रहे थे, सोचो तुम्हारे हाथ में अगर पानी की गर्म पानी की फुआ गिर जाए, तेल छिटक जाए, तो दो दो चार चार दिन तक उसमें जखम बने होते हैं, किसी व्यक्ति को पूरा जल गया हो और ऐसे जले हुए स्थिति में नमोकार मन का स्मरण करता है, तभी भगवान पार्श्वनाथ के धने न पद्मावती बन पा पाता। मालूम है जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो हमारी आत्मा के परिणाम भी मजबूत हो जाएंगे। आप ये देखते हो कि महाराज जी बैठे हैं, सबको आशीर्वाद दे दे, सब ठीक हो जाते हैं। कभी कभी महाराज से पूछो उनको क्या तकलीफ है, महाराज कभी नहीं बताते, क्योंकि एक ऐसे करना, ऐसे उंगली करो, संतोष जी ऐसे करना, ऐसे ये एक एक अंगुल है, इस एक अंगुल में 96 रोग हैं। कितने? 84 अंगुल का शरीर है, कितने रोग के इलाज कराओगे, कितनी दवाइयां लाओगे, एक खाओगे दूसरी समाप्त, दूसरी खाओगे तीसरी चौथी, कितनी खाओगे, कितने रोगों का इलाज कराओगे। महानुभाव एक रोग है, जन्म जरा और मृत्यु, इसी को जीत जाओ, भगवान बन जाओ। ये शरीर के रोगों का इलाज मत कराओ, मुझे मालूम है तकलीफ होती है, अगर आपने अपने शरीर को अपना माना तो तकलीफ होगी, किराए का मकान मानोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। एक साधु की समाधि करा रहे थे हमारे आचार्य भगवान भिंड में, शरीर 80 साल 90 साल का हो गया था, अचानक से किसी ने उसको उठा दिया, तो ये हाथ की खाल यहाँ आ गई, सरक गई, तड़पन हुई, आचार्य ने बोले पागल हो कैसे कर रहे हो तुम, ऐसे उठाया जाता है। तुरंत जो समाधि मरण कर रहे थे उन्होंने कहा आचार्य श्री से, आचार्य भवन को क्यों डांट रहे हैं, ये तो जेल का दीवार है, टूटेगी नहीं तो पिंजरे से पंछी आजाद होगा कैसे। एक मरता हुआ व्यक्ति जिसके समय एक दिन दो दिन चार दिन का बचा हुआ है, जब ऐसे परिणाम बनने लगते हैं ना, तब जाकर किसी व्यक्ति का अच्छा मरण होता है। और कहा गया अगर आपके समय शिखर की, गिरनार की, पावापुर की, बद्रीनाथ की टिकटें बनी हो और आप बैग लेकर बिल्कुल खड़े हो और कोई व्यक्ति कहे कि ये व्यक्ति समाधि मरण कर रहा है, चलो उसके दर्शन करके आए, टिकट कैंसिल कर देना, उस व्यक्ति की 3 परिक्रमा देकर नमस्कार करना। आचार्य कहते हैं पूरा पुण्य समय शिखर का उस समाधि मरण करने वाले जीव के मिल जाए, इतना जबरदस्त पुण्य कहा गया है समाधि मरण। एक समाधि मरण कराने से 100 दीक्षाओं का पुण्य मिलता है। कितनी? 100 दीक्षाओं का। हमें तो बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कि हमने अपने जीवन में 23 समाधियां कराई है, 10 तो आचार्य भगवान के सानिध्य में, एक अभी करवा के आए और पहले भी बहुत सारी कराई। मुझे तो बहुत सारे अनुभव मिले हैं, इसलिए उस अनुभव को आपसे शेयर कर लेता हूँ महानुभाव। इसलिए रात के जब सोता हूँ या कोई सोता है तो मैं यही उपदेश देता हूँ कि सब कुछ छोड़कर सो। चले गए हीरो, क्या नाम था, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ शुक्ला, चले गए 40 साल के थे, बिग बॉस में विनर बनकर आए, लेकिन अपनी आत्मा के विनर नहीं बन पाए।
उसमें फेल हो गए, हार्ट अटैक आ गया, चले गए 40 साल की युवा अवस्था में। कितने सारे उन्होंने नाटक साइन कर रखे होंगे, कितना पैसा लोगों से लिया होगा, किसको देना होगा, कितना बढ़िया आलीशान बंगला होगा, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, परिवार होगा, ना जाने क्या क्या चीज उन्होंने अपनी बंदोबस्त करके रखा। सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में मैं बिग बी की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह नाम कमाऊं। सारे अरमान एक झटके में रह गए, क्योंकि सासों की कोई गारंटी नहीं होती। रात के त्याग करके सोते तो आज कुछ अच्छे भाव में पहुंचे होते। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। हम तो इसीलिए आप सबको सचेत कह रहे हैं कि मानव समय का कोई भरोसा नहीं रहता। मैं तो सबसे कहता हूं, ये लोग भी मुझे कहते थे कि मुनि महाराज बनोगे, परेशान हो जाओगे, दिक्कत होगी, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा देखो, अपन ने तो निर्णय कर लिया भैया, अब तो अपन को महाराज बनना है। और ये भी सोचते थे हफ्ता 15 दिन महीने भर के बाद वापस आ जाएगा, और कोशिश भी करे। लेकिन महानुभाव अपन मजबूत थे, इसलिए यहाँ पहुंच गए। मजबूर होते तो आज दुकान में बैठे होते। तो महानुभाव कहने का मतलब यह है कि हमारी आत्मा ध्रुव है, उस आत्मा को समझो, उस आत्मा के वैभव को समझो। हम बाहरी आडंबर में लगे हुए, जब ऋषभ देव भगवान ने मुनि दीक्षा ली तो इतने सारे देवी देवता उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन जब उनकी आहारचर्या के लिए निकले तो कोई देवी देवता ने सहयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझे माफ है, अवगुण करो हजार। पुण्य है तो सारे सगे संबंधित तुम्हारे साथ, पुण्य है तो हर व्यक्ति तुम्हें पूछेगा। अगर पुण्य की महिमा को देखना है महानुभाव, तो बंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता जाओ। पुण्य की महिमा देखना है महानुभाव, तो बड़े बड़े शहरों में जाओ। कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं और इंसान पैदल चलते हैं। पुण्य की महिमा देखना है तो उन कुत्तों को देखो जो फरारी 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और उनके मालिक गोदी में अपने बच्चों को नहीं, कुत्तों के बच्चों को लेकर चल रहे हैं। और कर्म की महिमा देखना है तो कलकत्ता, बंगाल जाओ। वहां पर घोड़े नहीं, इंसान आदमी को गाड़ी में चला रहे हैं। घोड़े गधे खच्चर की जगह इंसान गाड़ी को पकड़ता है और दौड़ता चला जाता है। इंसान सवारी कर रहा है और इंसान खींच रहा है। सोचो जो काम जानवर का है वो इंसान कर रहा है, इससे बड़ा कर्म का उदय और क्या होगा? महानुभाव, इंसान की खोपड़ी घर में कोई नहीं लगाता, जानवर का लगाता है। क्यों? इंसान की कोई कीमत ही नहीं। घर में जिस बीवी ने लाड़ प्यार से बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, वो बच्चे वो पति, वो परिवार, वो माता पिता, आप एक्सपायर हो गए ना, एक मिनट नहीं लगे, एक मिनट। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या 4-5 दिन अपने घर में लाश रखता हो? नहीं, करल में कोई स्पेशल हो रखा क्या? अरे लाश 10 मिनट नहीं रखता, और कोरोना हो जाए तो चेहरा भी नहीं देखता। बताओ कितने लोग चले गए होंगे मालूम है? 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, तब जाकर उसने इतनी सी चैन खोली, ये चले गए तुम्हारे हस्बैंड, ये बंद करो, चलो छुट्टी। सोचो क्या जिंदगी है तुम्हारी, और किसके लिए तुम अकड़ रहे हो, किसके लिए इकट्ठे कर रहे हो, क्षण मात्र में खत्म। इसलिए महानुभाव, जब आपको पता चल गया है कि ये असाध्य रोग है, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, परमात्मा का स्मरण करो। हर दर्द में प्रभु को स्मरण करो, हो सकता है वो दर्द भी तुम्हारे लिए दुआओं का काम कर जाए, और तुम एक दिन अच्छे निर्माण की प्राप्ति करो। तुम हो ज्ञान के भंडारी, तुम हो महाव्रतों की नारी, तुम में ध्यान परा है इतना, दुनिया शीश झुकाती सारी। ओम परम गुरु मेडिटेशन गुरुवर वेसन सागर मुनिंद्राय विश्वसुर सागर मुनिंद्राय अनर्वद्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामति नमो नमः चंद्रभाई देवा विशेषताय कालसर्प दोषाधिकार कल्याणकार श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरुपामति ृंद्राय अर्घ्यम निर्वाम दी।
ओम रीम हरि भगवंतनाय गेमक्षसनाय काल सर्वदोषादि कर कल्याणकार श्री पाशना जी ने गाय अर्गम निर्वाण दी गुणानंती भोगी फाल तुलना किसी से ना हो पान प्रभु की महिमा अगम अपार नदे हरि पानी अपार ओम रीम जी क्रोधाय गेमक्षसनाय काल सर्वदोषादि कर कल्याणकार श्री पाशना जी ने गाय अर्गम निर्वपामिति ओम रीम श्री भाषणा दाय नमः।